एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय बालेश्वर। चलिए, यहाँ पर एक बहुत मोस्ट फैक्ट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए कि आज होगा साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। तो आपको पता होना चाहिए आज दिन कितना बड़ा होगा और रात कितनी बड़ी होगी, और इसके बारे में फैक्ट पूरी जानिए कि जिससे क्यों होता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है 10 घंटे 41 मिनट का होगा दिन। आज का दिन जो है टोटल वो 10 घंटे 41 मिनट का होगा और रात जो होगी 13 घंटे 19 मिनट की होगी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे बड़ा दिन कितने समय का होता है, तो 10 घंटा 41 मिनट का वो छोटा है। ठीक है, चलिए आगे दिखाते हैं। ठीक ना, यह जो खगोलीय घटना है इसके बारे में पूरा ध्यान देखिए। सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात, ये यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, इस दिन सूर्य अपने निर्धारित समय से पहले अस्त हो जाएगा। ठीक है, यह खगोलीय घटना सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में घटती है, याद रखिएगा, केवल उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होता है, माने वहाँ पर 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, सबसे बड़ी दिन होती है, सबसे बड़ी वहाँ रात होती है। ठीक ना, तो ये चीज़ें उल्टा चलता है। ठीक है, यहाँ पर और देख पा रहे होंगे, ठीक है, 22 दिसंबर को सूरज कर्क रेखा की ओर से मकर रेखा यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ आता है, ये 22 दिसंबर को, और इस दिन से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बढ़ती है और मैदानी इलाकों में ठंड अधिक होने लगती है, जैसे यहाँ ठंड बढ़ जाती है, इसी वजह से साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप एक जानकारी देख पा रहे होंगे, ठीक ना, इस देश में होता है सबसे बड़ा दिन। ठीक है ना, यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, इसकी जानकारी देखिए, इस देश में होता है सबसे बड़ा दिन, माने विंटर सॉल्स्टिस के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं जबकि उत्तरी गोलार्ध में कम, इसी वजह से उत्तर में रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सबसे ज़्यादा देर तक रहता है और इस क्षेत्र में पड़ने वाला मानसून सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया पूरी जानकारी। जानकारी कैसी लगी, वीडियो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।